बैन 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 दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 54 ऐप्स को बैन कर दिया गया है जिसमें फ्री फायर भी शामिल है। दोस्तों इससे पहले 2020 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई बड़े बड़े ऐप को भी बैन किया गया था जिसमें पबजी, टिकटॉक और ब्यूटी प्लस जैसे कई बड़े बड़े एप्स जो है वो शामिल थे जिनके मिलियंस में डाउनलोड थे। और आज दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए फ्री फायर जैसे समेत 54 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। दोस्तों एक टाइम था जब पबजी बैन हुआ था, इसके बाद लोग किसी तरीके से लूडो में आए थे। जब लूडो की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लूडो को भी बैन कर दिया गया। एंड इसके बाद जब लोग फ्री फायर पे आए और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे भी बैन कर दिया गया। इसी के लिए दोस्तों किसी भी ऐप को लिमिट में चलाइए वरना इंडियन गवर्नमेंट उसे बैन कर देगी। वैसे दोस्तों ये रही मजाक की बात, लेकिन वास्तव में ये फ्री फायर यूजर्स के लिए बहुत बड़ी सैड न्यूज है। दोस्तों 2019 की फ्री फायर बहुत बड़ी पॉपुलर गेम थी एंड पबजी के जाने के बाद ये मोस्ट डाउनलोडेड गेम्स थी, लेकिन वर्तमान में इसे प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है। जिन्हें नहीं पता कि फ्री फायर कैसा गेम है, तो दोस्तों फ्री फायर एक ऑनलाइन बैटल ग्राउंड मोबाइल गेम होता है जिसमें आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2020 से अभी तक 270 ऐप्स को बैन कर दिया गया है और अभी लगभग कल न्यूज आने के बाद लगभग 54 ऐप्स को बैन कर दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें फ्री फायर के साथ कई बड़े बड़े ऐप्स भी शामिल है। मैं जिनके नाम एक एक करके बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले स्वीट सेल्फी कैमरा है, दूसरा ब्यूटी कैमरा है। दोस्तों ब्यूटी कैमरा का यूज बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। इसके बाद वाइवा वीडियो एडिटर है। दोस्तों वाइवा वीडियो एडिटर एक ऐसा ऐप था जिसकी मदद से आप काफी तगड़ी वीडियो एडिटिंग कर सकते थे, इसमें सारे फीचर दिए हुए थे। इसके बाद ऐप लॉक, दोस्तों ऐप लॉक को तो हर किसी ने लगभग यूज किया था। एक टाइम मुझे भी याद है मैं अपने सस्ते से मोबाइल पर ऐप लॉक यूज करके अपने ऐप्स को लॉक किया करता था। वैसे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इन ऐप्स को क्यों बैन किया गया होगा, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है प्राइवेसी। दोस्तों प्राइवेसी आज एक मेन रीजन बन चुका है। कई ऐप्स के तरफ से हमारे डाटा को कलेक्ट किए जाते हैं और इन डाटा का मिसयूज किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि ये ऐप्स भी हमारे डाटा को कलेक्ट करती है एंड इनका मिसयूज हो सकता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन ऐप्स को बैन किया गया। वैसे दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इन ऐप्स का कहीं ना कहीं से चाइना से लेना देना था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफी तगड़ा एक्शन लेते हुए इन ऐप्स को बैन किया गया है। वैसे दोस्तों प्राइवेसी बहुत जरूरी है, इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों मुझे फ्री फायर लवर के लिए बहुत बुरा लग रहा है, जिन लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह फ्री फायर लवर लिख करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये न्यूज सुनने के बाद बताइएगा हमें कमेंट पे जरूर, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।